उत्तरकाशी में मुसलमानों का पलायन, कोई 35 साल तो कोई 18 साल पुरानी दुकान खाली कर भाग रहा है। मुसलमानों की दुकान पर लगाए गए निशान। महाराष्ट्र में दंगा सिर्फ मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए किया गया। ओवैसी ने महाराष्ट्र बीजेपी और केंद्र सरकार से दंगों को रोकने की अपील। देश भर में सभी मदरसे बंद किए जाने चाहिए, यहीं से शुरू होता है लव जिहाद। हिंदू केवल पैसा कमाने के बारे में सोचता है, लेकिन एक विशेष समुदाय भारत में राज करने के बारे में सोचता है। वीएचपी नेता साध्वी प्राची का विवादित बयान। अगर नमाज पढ़ना गुनाह है तो सरकारी ऑफिस में नहीं होने चाहिए धार्मिक निशान, असदुद्दीन ओवैसी का बयान। अपने सरकार के भ्रष्टाचार को छिपाने के प्रयास कर रहे हैं केजरीवाल। आम आदमी पार्टी की रैली पर बीजेपी का जोरदार प्रहार। 15 जून को सबसे ज्यादा तबाही मचा सकता है बिपल जॉय तूफान। गुजरात में अलर्ट पर सरकारी तंत्र। ब्रजभूषण शरण सिंह का लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ा ऐलान, कहा कैसरगंज से लड़ूंगा चुनाव, यूपी की सारी सीटें जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया का वनडे टेस्ट चैंपियनशिप के खिताब पर कब्जा, फाइनल में भारत को 209 रनों से हराया। उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं गैर हिंदू, हिंदुस्तान पर कब्जे की हो रही है साजिश, साध्वी प्राची का बयान। कर्नाटक में आज से हर महिला की बस यात्रा फ्री, राहुल गांधी बोले एक और गारंटी हुई पूरी। भविष्य में एक तमिल को भी बनाया जा सकता है देश का पीएम, तमिलनाडु में बैठक के दौरान अमित शाह ने दिए संकेत। ऑनलाइन गेमिंग ऐप से धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का सरगना बद्दू और दो आरोपी गिरफ्तार, महाराष्ट्र के लॉज में छिपा था युवक। 80 हराओ बीजेपी हटाओ, अखिलेश यादव ने दिया नया नारा, बीजेपी पर साधा निशाना। चौथी पास राजा को समझ नहीं आ रहा कि देश कैसे चलाए, रामलीला मैदान से केजरीवाल की हुंकार। बुराड़ी में 13 साल की बच्ची से रेप, ऑटो में हुई दरिंदगी, सहेली का दोस्त बना हैवान। राज ठाकरे ने फिर उठाया पर प्रांतियों का मुद्दा, कहा सब बाहर के लोग आकर नाले पर झोपड़ा बनाते हैं, इतना भार कैसे सहेगा महाराष्ट्र, बिगाड़ देते हैं सिस्टम। 12 साल बाद फिर रामलीला मैदान में गर्जे केजरीवाल, कहा हमारे पास एक नहीं 100 सिसोदिया और 100 सत्येंद्र जैन हैं। कंगना रनौत ने पोस्ट में किया बॉलीवुड के दुर्योधन और शकुनी का जिक्र, कहा न जाने किस तरह के एक्टर्स ऐतिहासिक फिल्मों में लिए जा रहे हैं। लड़की चीज ही ऐसी है कि बड़े से बड़ा फिसल जाता है, अजमेर में सरवर चिश्ती का एक और विवादित बयान। राज ठाकरे ने लोगों से किया सवाल, मुश्किल के वक्त मेरे पास भाग कर आते हो फिर वोट क्यों नहीं करते हो। मणिपुर में 15 जून तक इंटरनेट सेवा बंद, सरकार ने 5 दिन के लिए बढ़ाया बैन, अब तक 100 लोगों की हो चुकी है मौत। रोहित शर्मा ने शर्मनाक हार के बाद आईसीसी को कोसा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल बदलने की मांग। बीजेपी का मतलब भारतीय जुगाड़ पार्टी, ये चुनाव में नहीं जीत पाते हैं तो ये उपचुनाव से सरकार बना लेते हैं, भगवंत मान का बयान। अमित शाह को ठाकरे और मातोश्री से लगता है डर, और ये अच्छा डर है, गद्दारों को गोद में बिठाकर मुख्यमंत्री पद दिया, संजय राउत ने अमित शाह पर किया पलटवार। अगर 2024 जीती बीजेपी तो देश में नहीं होगा चुनाव, नरेंद्र मोदी बन जाएंगे नरेंद्र पुतिन, रामलीला मैदान से भगवान मान ने भरी हुंकार।